वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप भी ऐसी ट्रेडिशनल से सिंपल और आई कैचिंग लुक चाहती हैं तो मेरे इस वीडियो में आपको बनी रहना पड़ेगा। काफ़ी लेस प्रोडक्ट से मैंने इस पूरे मेकअप को कंप्लीट किया है, इस पूरे लुक को कंप्लीट किया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपके पास मेकअप के सामान की या फिर आप मेकअप किट की। आप देखेंगे इस वीडियो को, जब आप पूरा देखेंगे तो देखेंगे आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उसी से पूरे लुक को कम्प्लीट कर सकती हैं। इस लुक को आप चाहें तो कैरी पे कैरी कर सकती हैं, पूजा में हो या फिर वेडिंग में या कोई भी छोटा फंक्शन या बड़ा फंक्शन। सिंपल है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाल को बांध देने पड़ेंगे क्योंकि हमने मेकअप शुरू करना है, और आपको फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद टोनर या फिर रोज़ वाटर से आपको फेस को क्लीन करना है। हमने यहाँ पर टोनर लिया हुआ, आप जो भी टोनर या रोज़ वाटर यूज़ करते हैं थोड़ा सा कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड में इस तरह से पोर कीजिए और अपने फेस को जेंटली पोंछिए ताकि सारे डस्ट हो वो आपके निकल जाए और एक अच्छा स्मूथ सा नेचुरल फिनिश जब आप पूरे मेकअप को करेंगी तो आए, एक अच्छा सा लुक आए। इसलिए हमने अपने चेहरे को सबसे पहले क्लीन किया है। उसके बाद आपके पास कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन हो आप वो लगाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही चीज़ लगानी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आप यूज़ करते हैं बीबी क्रीम या फाउंडेशन वो आपको थोड़ा सा लेना है और डॉट डॉट से पूरे स्किन पर लगानी और उसे ब्लेंड करनी है। आप चाहे तो अपने फिंगर्स के थ्रू ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू, या फिर आप ब्रश करती हैं तो ब्रश से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इससे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। टैप टैप करना है, रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे आपको टैप टैप करके मिलाना है। आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा अच्छे से फाउंडेशन आपके फेस पे मिल जाएगा। आप चाहे फिंगर से भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं हो तो आप ये लुक नहीं कैरी कर सकते। आप फिंगर से भी अच्छे से धीरे धीरे आप मिला सकते हैं, वो मिल जाएगा। तो एक याद रखिए आप अच्छे से इसे मिलाएं ताकि बाद में आपका मेकअप काला ना पड़ जाए। डार्क जनरली हम देखते हैं मेकअप डार्क पड़ जाता है क्योंकि हम अच्छे से फेस को क्लीन नहीं करते और हम मेकअप यूज़ करने लगते हैं। अब हमें लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर और कोई भी आप जो यूज़ करते हैं नॉर्मली अच्छे से फेस पे आप लगा लीजिए। एक लास्ट फिनिश जो होता है फाउंडेशन के बाद वो हमें देना है, तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे आईलाइनर का यूज़ करना है। मैंने काजल का यूज़ नहीं किया है, सिंपली मैंने स्केच लाइनर लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिक्विड लाइनर लगाने नहीं आता है। कोई इस आँख में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कभी इस आँख में, तो आप क्या कीजिए पेन के जैसे जो स्केच की आईलाइनर आती है वो आप इजीली आप कोई भी लगा सकता है, चाहे बिगनर्स हो या जरूरी नहीं है कि आपको आता हो तभी, कोई भी इसे कोई भी लगा सकता है। स्टार्ट करें आप मिडिल से, एक लाइट छोटा सा पतला सा स्ट्रोक लगाना शुरू करें और एंड तक जाएं। एंड के पास थोड़ा सा आपको अपने लाइनर को निकालना है, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद वहीं से आप देखेंगे मैं एक लाइनर की वीडियो अलग से अपलोड करूँगी आपको थोड़े दिन में। तो इससे अच्छा है कि आप सिंपली मतलब आप पतली पतली सी लाइन लगाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे लगाते लगाते आप काफ़ी अच्छे से लगाने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगाया है, उसके बाद ठीक लाइनर को ही मैं नीचे वाले आँखों में हल्के से लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे काजल यूज़ नहीं किया है ताकि अब पसीना हो या कोई भी मेरा फैले नहीं ये काजल या लाइनर जो भी आप लगा रहे हो, तो इसीलिए मैं लास्ट आँखों के नीचे हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। अब बारी आ गई हमारी लिपस्टिक लगाने की, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लिप बाम लगाना है ताकि लिपस्टिक को अच्छा सा ग्लो मिले, एक अच्छा सा लुक मिल सके। तो मैंने लिप बाम यहाँ पे जो भी आप लिप बाम यूज़ करती हैं वो लगाएं। उसके बाद आप अपने साड़ी या ब्लाउज़ के हिसाब से, उससे कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपनी लिपस्टिक जो भी आपको पसंद है वो लिपस्टिक, मैंने यहाँ पर रेड लिपस्टिक लगाई है तो रेड लिपस्टिक अब हम यहाँ पर लगाना हमने शुरू किया है। हम इसे काफ़ी ऊपर के लिप्स लगाना शुरू करेंगे और अच्छे से फिर मिला लेंगे, और नीचे जैसे ही बच गया तो आप फैले ना, इधर उधर ना जाए, तो नीचे भी हम कॉम्पैक्ट पाउडर से हल्का हल्का टच दे देंगे। तो होप मुझे आपको ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जनरली ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर बिंदी लगा ली, आपको जो भी बिंदी पसंद हो, रेड लगाना चाहें, ग्रीन, या जो भी आप अपने साड़ी के अकॉर्डिंग बिंदी लगाना चाहें, यहाँ पर मैंने ग्रीन बिंदी लगाई है। तो अब मेरा अब बारी आ गई हमारे हाइलाइटर को, चीक्स
मैजिक्स को एक्सप्लोर करने की मैजिक्स को अब यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है और इसे दो फिंगर छोड़ के आपको लगाना जिस जिस एरिया को आप हाइलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि आईज़ के साइड में लगाया जाता है, नोज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर और नीचे, और थोड़ा थोड़ा आपको फिंगर्स की मदद से ही लगा लेना और उसे टैप कर लीजिए, आप अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए अब बारी आ गई, आपके पास ब्लश नहीं कोई बात नहीं, आपने जो लिपस्टिक लगाई उसी को आपको पाउट बनाना, यानी मुंह को इस तरह से बनाइए और तीन डॉट आप लगाइए दोनों साइड और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिंगर से भी ब्लेंड कर सकती है, फिर ब्लेंडर है आपके पास तो आप उससे भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्लश हो गया, हाइलाइटर हो गया, लिपस्टिक हो गया, आई मेकअप हो गया, सब कुछ हमारा कम्प्लीट हो गया। आपने देखा हमारे पास कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा मेकअप की सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी लेस प्रोडक्ट से मैंने ये आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा लुक कंप्लीट किया हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बारी आ गई हमारे बाल बांधने की, तो चलिए हम आप जैसे भी बाल स्टाइल करते हैं, आप चाहे तो उसमें खुले भी, आपका मेकअप तो कंप्लीट हो गया, आप खुले जाना चाहते हैं बालों को, खुले हल्का सा क्लैचर्स लगाना चाहती हैं तो क्लैचर भी लगा सकती हैं, आप अपने ओकेज़न के अकॉर्डिंग अपने बाल बना सकती हैं। मैंने तो यहाँ पर बन बनाया हुआ, तो चलिए मैं यहाँ पर अब अपने बालों को हेयर स्टाइल में बन हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो सबसे पहले हमें बालों को कंघी कर लेना। आजकल आप देख रहे होंगे मेशी बालों का काफ़ी ट्रेंड है, यानी लोग कंघी तो करते हैं उसके बाद फिंगर की हेल्प से अपने बालों को बांधते हैं। तो नॉर्मली आप पौनी बनाते हैं पीछे, नॉर्मली जो बन बनाते हैं आप, उसके बाद आप बन बनाइए सिंपली जूड़ा पेन से। आपको क्या करना है, अपने बन को टाइट कर लेना है। यहाँ पर मैं रेडीमेड जो बन अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने देखिए यहाँ पर अपना नॉर्मल जो घर में हम बन बनाते वो बना ली और हमें इस तरह के दो तीन पिन लगा के सेट कर लेनी है। ये जो ईजिली हमारा रेडीमेड बन अवेलेबल होता है मार्केट में वो मैंने लगाया है, आपको आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह के जो नकली गजरे होते हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए कंप्लीट है हमारा मेकअप, ये पूरा लुक हमारा, देख रहे हैं आप कितना ट्रेडिशनल है और सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है लेकिन बहुत आई कैचिंग है। आप इस लुक के साथ अगर कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखने वाले हैं, आप सबकी निगाह में ज़रूर आने वाले हैं। तो होप आपको मेरा ये लोग ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ये कंप्लीट लुक भी हमारा तैयार हो गया है।